शिंघाई साल कांस फिल्म फेस्टिवल में ब्यूटी दिवा ऐश्वर्या राय बच्चन नहीं बल्कि डिंपल गर्ल दीपिका पादुकोण निकल आई हैं आगे सबको पीछे छोड़कर, जिसके बारे में हमने आप सभी को बताया ही और आप ही देख सकते हैं कितने दिलकश दिख रही हैं दीपिका पादुकोण। उनका ये दिलकश अंदाज, इनका ये खूबसूरत अवतार शायद ही आप सभी ने इसे पहले देखा हो। सपनों से भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आई हैं दीपिका पादुकोण पिंक गाउन में। पिंक फ्लरी गाउन में दीपिका पादुकोण हद से ज़्यादा लाजवाब लग रही हैं। उनका ये ड्रीम अवतार लोगों को काफ़ी पसंद आया है, तो वहीं पूरी दुनिया में दीपिका के इस अवतार की जमकर चर्चा भी हो रही है। आपको बता दें हम, दीपिका पादुकोण की टक्कर बीते साल भी इसी तरह ऐश्वर्या राय बच्चन और सोनम कपूर के साथ हुई थी। हालांकि उस दौरान सोनम कपूर और ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी अपनी तरफ से जोर तोड़ लगा दिया था अपनी खूबसूरती के जलवे में चार चांद लगाने में, लेकिन इस साल सोनम कपूर अपनी शादी की वजह से थोड़ी पीछे रह गए। साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन भी अपनी बेटी आराध्या के साथ पहुंच आई हैं कांस में धमाल करने के लिए, लेकिन अब तक दीपिका पादुकोण काफी आगे निकल आई है। दोनों की गैर मौजूदगी का भला कैसे ना दीपिका फायदा भी उठाए। जी हाँ, इस बार ऐश्वर्या और सोनम की रेड कार्पेट पर एंट्री से पहले ही दीपिका ने मारी है बाज़। पिंक गाउन में सबसे खूबसूरत अवतार के साथ, बता दे आपको दीपिका पादुकोण वहां तमाम विदेशी अभिनेत्रियों के बीच भी सभी के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। उनकी खूबसूरती के आमने फीके पड़ गए थे तमाम हसीनाओं के मेले। इस मेले में दीपिका पादुकोण की खूबसूरती ने सबको अपनी तरफ खींच लिया, जिन्हें देखकर हर कोई इनके दिलकश अंदाज पर फिदा हो गया। देखना अब ये होगा कि दीपिका अपने सौतार को, अपनी खूबसूरती को किस तरह बरकरार रखती है तब जब होगा उनका आमना सामना ऐश्वर्या और सोनम कपूर के साथ। तब किस तरह वो जलवा बिखेरेंगी जब पिंक अवतार के साथ नजर आएंगी वो कुछ और नए रंगों की खूबसूरती के साथ। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रिपोर्ट। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।